नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो देख सकते हो ये हमारा YouTube पेज है, YouTube चैनल है। यहाँ पे आपको बेसिक प्लस लाइव ट्रेडिंग की जो भी वीडियो है इसकी जानकारी आप ही मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो देख सकते हो लगभग 4625 मतलब लगभग 5000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मैं एक बार पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मतलब लगभग 5000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो ट्रेड क्या था, कैसे लिया था, उसके पीछे रीज़न क्या थे, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो ये कुछ ऑर्डर्स है इसके, मतलब जो भी ट्रेड लिए थे इसके ऑर्डर्स है। तो चलिए देखते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं सुबह मतलब आज का डेट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कर्सर को देखिए, आज का डेट है 13 अगस्त। ओके, तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, लगभग 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। जैसे कि देख पा रहे हो कल यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे आज सुबह ओपन हुआ। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जिन्होंने कल बाइंग किया था उनको ऑलरेडी मार्केट खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। ओवरनाइट इतना अगर 100-150 पॉइंट भी होता है तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट खुला पहला कैंडल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मार्केट खुला तब पहला कैंडल ग्रीन बना। ओके, तो ग्रीन कैंडल का आप ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि ऊपर भी उसने एक शैडो बनाई है और नीचे भी शैडो बनाई है। लेकिन उसके बाद तुरंत क्या होता, उसके बाद तुरंत क्या हो दोस्तों, एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पे देख सकते हो एक रेड कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा था कल जाते जाते, उनको ओवरनाइट अगर इतना प्रॉफिट दिख रहा है तो वो पैनिक में आके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो ये था रिट्रेसमेंट और प्लस प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है इसको। लेकिन जब ये तीसरा कैंडल बना, यहाँ पे देख सकते हो एक हैमर टाइप का कैंडल है। ओके, जिनको भी ट्रेडिंग के बारे में पता है उनको पता होगा ये हैमर टाइप का कैंडल है। हैमर टाइप का कैंडल जब भी बनता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है दोस्तों। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गए, ठीक है। तो ये पूरा प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस क्या होता है समझना पड़ेगा। तो लगभग मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया था। ओके, जो ये कैंडल बना था तब मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे बना लिया था। और जैसे कि देख सकते हो मार्केट पूरा मेरे रेंज के अंदर घूमता रहा और मेरा रेंज जो था यहाँ से लेके यहाँ तक था। ओके, तो मेरे रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहा तो लगभग मेरे को 3-4 हज़ार से प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन जैसे कि समझ पा रहे हो आप, सुबह ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो मतलब सीधा ही है कि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। लेकिन सुबह से ही इसने देख सकते हो आप कि इसमें रेड कैंडल कितना है, देख सकते हो तो नंबर ऑफ रेड कैंडल इसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकल जाता है कि जो सेलर साइड है वो स्ट्रांग है, लेकिन कहाँ पे आपको शॉर्ट करने का पोजीशन नहीं मिल रहा था। तो एक देख सकते हो यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, देख सकते हो यहाँ पे छोटा, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल का मतलब भी ट्रेंड रिवर्स होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टडीज के मतलब से समझ लिया था कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे लगभग 6-7-8 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन जैसे ये अपना डाउन साइड ब्रेक करने लगा तो मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक आने से पहले मैंने अपना स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर लिया और जो भी प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेगी, आपको थोड़ा सा एनालिसिस सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा, मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। तो ये होता है मार्केट दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो रेंज था ये उसने ब्रेक कब किया, ब्रेक किया लगभग 11:35 को। ओके, लेकिन उसके पहले क्या किया था, देखो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन तीसरी बार ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करवाया। क्योंकि आपको तो पता होगा अगर आप ट्रेडर हो तो कि अगर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर कोई स्टॉक घूम घूम के वहीं पे वापस आ रहा है तो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो कमज़ोर होने के बाद क्या हुआ, देख सकते हो यहाँ से ये पूरा गैप डाउन नीचे चला गया। अगर यहाँ पे मैं अपना पोजीशन रखता तो लॉसेज लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार भी हो सकते थे। लेकिन सही समय पे आपको निकलना भी ज़रूरी है ट्रेड को और सही समय प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट में आने से पहले अपना बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो ये फिक्स कर लो। मार्केट ओपन होने के बाद ये मत डिसाइड करो कि कहाँ पे जाना है मेरे को, क्योंकि आपका मतलब वहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट हो सकता है, आपके मन में अनेक विचार आ सकते हैं कि कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए बाय साइड हो या सेल साइड हो पहले से फिक्स करके रखो। आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, टारगेट भी उसी के साथ साथ फिक्स होना चाहिए। चीज़ों को समझिए तभी आपका ट्रेड अच्छे से बन पाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।